कपकपाती हुई सर्दी में सदी के सबसे बड़े संत की समाधि पर बैठे हुए सारे लोगों के बीच में मैं भारत के संविधान की उद्देशिका पढ़ने के लिए खड़ा हुआ हूं। आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी और पूरी कांग्रेस पार्टी, मैं बहुत मुकद्दस जगह खड़ा हूं और बस इतना कह के इसे पढ़ना शुरू करता हूं कि ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। आदरणीय राहुल जी की मौजूदगी में मैं ये संविधान की उद्देशिका पढ़ता हूं और आप सबसे ध्यान चाहता हूं, क्योंकि एक बहुत ये समझ लें कि मैं इसे बहुत मुकद्दस तरीके से पढ़ रहा हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए यहाँ इकट्ठा है, यहाँ मौजूद है पूरी कांग्रेस पार्टी। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। इस एहसान को स्वीकार करते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आदरणीय राहुल जी का कि उन्होंने ये कदम उठाया। आदरणीय प्रियंका जी का विशेष रूप से धन्यवाद कि कल आप उन पीड़ितों के पास माओं के आंसू पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश गईं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आंखों ने वो तमाम मंजर देखे हैं। आप दोनों जिस सर्दी में, जिस तरह से इस देश के विकट परिस्थितियों में खड़े हैं, राहुल जी एक शायर होने के नाते दिल की गहराइयों से आपसे बस इतना कह के जा रहा हूं कि वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। देश कुछ भी कहे, देश कितनी भी आंधियां खड़ा करने की कोशिश करे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है, तो तुम खड़े थे, तुम्हारी आंखों की ताकचों में जलती रोशनी ने नई मनाजिल हमें दिखाई। तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहने, तुम्हारी माए, तुम्हारी मिट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे, हमारी धरती के जिस्म से जब हवस के मारे सियाह जोंकों की तरह चिमटे हुए थे, तो तुम खड़े थे। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अजमत और अस्तकामत तो वो हिमालय है कि जिसकी चोटी तक पहुंचना न पहले बस में रहा किसी के, न आने वाले दिनों में होगा, सो आने वाली तमाम नस्लें गवाही देंगी कि तुम खड़े थे, धन्यवाद।